दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में ऑथर जोसेफ मर्फी एक यंग लड़के से मिले जो हॉस्पिटल में साफ सफाई का काम करता था। वो लड़का ऑथर को बताता है कि उसे एक डॉक्टर बनना है, पर उसके पास मेडिकल स्कूल की फीस पे करने के पैसे तक नहीं है। उसके माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये सब सुनकर ऑथर ने उस लड़के को सजेस्ट किया कि वो हर रात सोने से पहले ये इमेजिन करे कि वो डॉक्टर बन चुका है और अपनी लाइफ को बहुत खुशी से जी रहा है। ये सुनकर अब वो लड़का हर दिन डॉक्टर के ऑफिस की सफाई करते हुए डॉक्टर की दीवार पर टंगी हुई फ्रेम्ड मेडिकल डिग्री को रोज साफ करता था और रात में उसी मेडिकल डिग्री को इमेजिन करता था और सोचता था कि उसका भी एक ऑफिस है और उसके ऑफिस की दीवार पर भी सेम मेडिकल डिग्री टंगी हुई है जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है। इस दौरान एक दिन एक डॉक्टर ने ऑफिस साफ करते हुए उस लड़के को देखा और उसे अपना असिस्टेंट बना लिया। और कुछ टाइम बाद वो डॉक्टर उस लड़के की डिटर्मिनेशन से इतना इंप्रेस हुआ कि उस डॉक्टर ने उस लड़के को मेडिकल स्कूल ज्वाइन करने के लिए पैसे देके फंड भी करा और ये यंग लड़का आज कनाडा में बहुत ही फेमस डॉक्टर है। तो दोस्तों, ये पावर होती है आपके सबकॉन्शियस माइंड की पावर। तभी ऑथर जोसेफ मर्फी अपनी अमेजिंग बुक द मिरेकल्स ऑफ माइंड में हमें सिखाते हैं कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके वो सब पा सकते हैं जो भी हम चाहते हैं। ऑथर कहते हैं उनकी ये बुक सेकंड पार्ट है उनकी बेस्ट सेलिंग बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड का। तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की ट्रू पावर को अनलॉक करना चाहते हैं तो इस बुक के सभी 7 लेसन को सीखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सो नंबर 1, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। ऑथर इस बुक को स्टार्ट करते हुए कहते हैं, मैन हैज ओनली वन माइंड बट ही हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस और फंक्शंस ऑफ द वन माइंड। यानी कि एक हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड होता है जो हमारे लॉजिक पर बेस्ड होता है। ये सभी 5 सेंसेस का यूज करके हर चीज से डील करता है जो बहुत सोच समझकर डिसीजन लेता है। वहीं हमारा सब्जेक्टिव माइंड जिसे सबकॉन्शियस माइंड भी कहा जाता है, ये हमारे इमोशंस पर बेस्ड होता है जो हर चीज को सच मानता है। ऑथर कहते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड मिट्टी की तरह होता है जिसमें आपके थॉट्स बीज की तरह काम करते हैं। आप जो भी सोचोगे वो उसे सच मान लेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, और आपका कॉन्शियस माइंड इन्हीं थॉट्स के अकॉर्डिंग एक्ट करता है। पर ऑथर कहते हैं, इन दोनों में से हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बार बार खुद को कहो कि मुझे बुक पढ़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझसे बुक पढ़ ही नहीं जाती, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है। और जब भी आपको कोई बुक रीडिंग के लिए बोलता है तो आपके कॉन्शियस ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि आप बुक रीडिंग नहीं कर सकते, इसीलिए आप बुक पढ़ना अवॉइड करते हो। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव दिला दिया है कि आप ये नहीं कर सकते। लेकिन ये चेंज हो सकता है अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ इतना बिलीव दिला के कि हाँ, आज मैं इतना अच्छा नहीं हूँ बुक रीडिंग में, लेकिन वक्त के साथ मैं 100% बेहतर होता जाऊंगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड हेल्थ। ऑथर कहते हैं, इस दुनिया में सिर्फ एक ही हीलिंग प्रिंसिपल है जो है आपका सबकॉन्शियस माइंड, और हीलिंग का सिर्फ एक ही प्रोसेस है, वो है फेथ यानी कि आस्था। इन दोनों को यूज करना बड़ा आसान है। बस ये बिलीव करो कि आपको जितनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो सकती हैं और जरूर ठीक होंगी। बस तब आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा और आपका कॉन्शियस माइंड इस बिलीफ के अकॉर्डिंग एक्ट करने लगेगा। 16th सेंचुरी अल्केमिस्ट पैरासेल्सस का कहना था कि वेदर द ऑब्जेक्ट ऑफ योर फेथ बी ट्रू और फॉल्स, यू विल नेवरदलेस ऑब्टेन द सेम इफेक्ट्स। यानी कि आपका फेथ चाहे सच्चा हो या झूठा, आप जितना स्ट्रांगली एक चीज पर बिलीव करोगे आपको वैसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे। इवन अगर आप किसी मैजिकल पावर में बिलीव करते हो जो आपको हील कर सकती है, उसे चाहे पूरी दुनिया रिजेक्ट करती हो, बट अगर आप बिलीव करते हो तो आप उसे अचीव कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल, ऑथर के एक दोस्त जो हमेशा ये कंप्लेन करते थे कि उन्हें हमेशा हेडेक रहता है, वो ऑथर की बात मानकर खुद को ये कहने लगे कि उसे कोई हेडेक नहीं है। पर सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, आपको अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को ये प्रूव भी करना होगा कि आप जो कह रहे हो उसमें आप जेन्युइनली बिलीव करते हो। इसीलिए ऑथर के दोस्त ने ये कहने के बजाय कि उन्हें कोई हेडेक नहीं है, उन्होंने ये कहना शुरू करा कि उनका हेडेक धीरे धीरे कम हो रहा है और ये वो सच में फील कर रहे थे। और कुछ टाइम बाद उनकी हेडेक की प्रॉब्लम ठीक हो गई और वो सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझ गए। द सबकॉन्शियस माइंड एंड एडिक्शन। हमारा किसी भी प्रकार का एडिक्शन एक बहुत ही स्ट्रांग चेन ऑफ हैबिट्स होती है जिसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और किसी भी एडिक्शन को ब्रेक करने के लिए हमें अपने माइंड का कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेना होगा। जिसे लेने के लिए आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको बिलीव करना होगा कि आप अपने माइंड को कंट्रोल करके खुद को चेंज कर सकते हो, और ये काम सिर्फ और सिर्फ हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। ऑथर कहते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड से कॉन्टेक्ट करके उसे ऑर्डर देने के लिए इन 3 इम्पोर्टेंट स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। पहला, प्रॉब्लम को सही से समझो। दूसरा, ऐसे सॉल्यूशंस पर फोकस करो जिस पे आपका सबकॉन्शियस माइंड आसानी से बिलीव कर पाए। तीसरा, और अपने आप को ऐसा फील कराओ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है।
डॉक्टर जोसेफ मर्फी के अकॉर्डिंग ये तीन स्टेप्स आपको किसी भी एडिक्शन से छुटकारा दिला सकते हैं। एक एंशियंट प्रोवर्ब भी है जो कहता है, एज ए मैन इमेजिन्स एंड फील्स सो इज ही, यानी कि जैसा आप सोचते हैं वैसे आप बन जाते हैं। अगर आप किसी भी एडिक्शन को फेस कर रहे हो तो आपको इस एडिक्शन से दूर नहीं जाना बल्कि अपने माइंड के साथ कनेक्शन बनाना है और अपने माइंड को ऑटो पायलट से हटा के ड्राइविंग सीट वापस लेनी है। जैसे कि जोहान हैरी कहते हैं, द ऑपोजिट ऑफ एडिक्शन इजंट सोब्रायटी, इट्स कनेक्शन, द सबकॉन्शियस माइंड एंड वेल्थ। ऑथर कहते हैं, इंसान के पास सफिशियंट पैसा ना होने की दो वजह होती हैं। पहली, या तो आप पैसों के बारे में लगातार गलत सोच रहे हो, जैसा कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, पैसा लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, या फिर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस नहीं कर पा रहे। आप बोलते तो हो आपको पैसा चाहिए, आपको एक मिलियनेयर बनना है, पर आप इस बात पर खुद ही बिलीव नहीं करते कि आप एक मिलियनेयर बन सकते हो, तो आपका माइंड भी आपकी बातों पर भरोसा नहीं कर पाता। इस सिचुएशन में आपको ऐसी बातें बोलनी है जिसपे आपका माइंड बिलीव कर पाए, जैसे ये बोलने के बजाय कि मैं तो एक मिलियनेयर बनूंगा, जबकि आपको ये क्लियर ही नहीं है कि आप कैसे बनोगे और क्या काम करके बनोगे। इससे बेटर ऑथर कहते हैं कि आपको खुद से बोलना चाहिए कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन बेटर हो रही है, मैं मेहनत कर रहा हूँ और मेरा काम इम्प्रूव हो रहा है, या मेरी सेल्स इम्प्रूव हो रही है। पॉइंट यह कि पैसों के मामले में खुद से ऐसी बातें कहो जो अचीव करना आपके लिए अभी पॉसिबल हो और आपको बिलीव हो कि आप कर सकते हो। द सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम। मान लो आप किसी ड्रग एडिक्ट के साथ रिलेशनशिप में हो, तो अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझाकर उस मैरिज को सक्सेसफुल बनाना भी चाहते हो तो उसका कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपको बेनिफिट दे सकता है, वो किसी और को चेंज नहीं कर सकता। ऑथर कहते हैं, अगर एक पार्टनर रिलेशनशिप को खत्म करना चाहता है और दूसरा साथ रहना चाहता है, तो वो दोनों साथ रहकर भी अलग अलग ही होंगे और वो रिलेशन एक न एक दिन खत्म हो ही जाएगा, आप उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। इसीलिए रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को यूज करके सही पार्टनर ढूंढना चाहिए। ऑथर ने इसके लिए भी एक टेक्निक बताई है, रात को आराम से बैठकर अपनी बॉडी को रिलैक्स करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओ कि आप किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो बहुत ऑनेस्ट, लॉयल और फेथफुल है। जब ये बिलीफ आपके सबकॉन्शियस माइंड को हो जाएगा तो आप खुद ही गलत लोगों को अपनी लाइफ से दूर करने लगोगे और कभी किसी गलत रिलेशनशिप में एंट्री नहीं करोगे, क्योंकि आपका माइंड सिर्फ इन क्वालिटीज को ही ढूंढेगा। द सबकॉन्शियस माइंड एंड गाइडेंस। आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हो और आपको उसके लिए सुबह के एग्जैक्ट टाइम, फॉर एग्जाम्पल 5:45 पे उठना होता है, तो 5:45 पर कैसे उठ जाते हो? ये वही टाइम है जब आप उठना चाहते थे। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप सोने से पहले डीपली बिलीव करके अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ऑर्डर दे चुके थे कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, और आप ऐसी कमिटमेंट सिर्फ रिलैक्स सिचुएशन में ही करते हो, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है और उसी के हिसाब से काम करने लगता है। इसी तरह से अगर आपको गाइडेंस चाहिए होती है, तब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड से गाइडेंस मांगनी चाहिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपके ऑर्डर्स ही फॉलो नहीं करता बल्कि आपको सॉल्यूशंस भी देता है। जैसे अगर आप किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो और आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, तो सोने से पहले इमेजिन करो कि आप इस प्रॉब्लम से फ्री हो चुके हो और आपकी लाइफ कितनी अच्छी चल रही है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, आप कितने खुश हो, और आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको खुश करने के लिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ला कर देगा, ताकि आपने जो इमेजिन करा था वो पूरा हो सके। द सबकॉन्शियस माइंड एंड फियर। इमर्सन कहते हैं, डू द थिंग्स यू फियर एंड डेथ ऑफ फियर इज सर्टेन। मतलब उस काम को करो जिससे आपको डर लगता है और फिर आपको उस काम से डर लगना बंद हो जाएगा, जो सच भी है। पर ऑथर ये भी कहते हैं कि अपने डर को खत्म करने के लिए आपको उस काम को रियल में करने की भी जरूरत नहीं है। आप बस इमेजिन करो कि आप वो सभी काम कर रहे हो जिससे आपको डर लगता है और आप सक्सेसफुली उस काम को कर पा रहे हो और अच्छे रिजल्ट्स भी अचीव कर रहे हो। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव हो जाएगा कि आप एक फियरलेस पर्सन हो। फॉर एग्जाम्पल, मर्फी एक फेमस सिंगर का एग्जाम्पल बताते हैं। वो सिंगर स्टेज पर जाने से बड़ी डरती थी। ऑथर ने उसे एक टेक्निक फॉलो करने को कहा, जहां वो दिन में 3 बार एक शांत कमरे में जाकर इन लाइंस को बार बार बोलती थी, आई सिंग ब्यूटिफुली, आई एम पॉइज्ड, सरीन, कॉन्फिडेंट एंड काम। जिसे बोलते हुए वो ये इमेजिन करती थी कि लोग उसकी परफॉर्मेंस को कितना एंजॉय कर रहे हैं और वो कितनी खुश है। और सिर्फ एक हफ्ता ये रेगुलर करने के बाद उसने एक बहुत ही अच्छा ऑडिशन दिया और आज वो एक फेमस सिंगर है। देख रहे हो दोस्तों, कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही से ट्रेन करने से, इसमें सही बीज डालने से और इसे सही दिशा दिखाने से हमारी जिंदगी और हम वो सभी पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके इस चैनल को ग्रो करने में सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।